ये कहता है फिलामेंट है और एक बल्ब है जो 500 वॉट का पावर, और मार्केट से एक बल्ब लेके आया मैं, ठीक है, ये मैं शॉपिंग करने गया था तो मैंने एक बल्ब लाया और उस पर लिखा था 500 वॉट और 100 वोल्ट। इसका क्या मतलब होता है जो बल्ब के, ये जो एक्चुअली बच्चों बल्ब का डेटा है और इसके पास एक फिलामेंट है, तो जब इसका रेजिस्टेंस वी स्क्वायर ओवर पावर, तो भाई बल्ब के फिलामेंट होता ना, तो इसका अपना एक डेटा है कि इतना पावर मैक्सिमम दे सकते हो, इतना वोल्टेज मैक्सिमम लगा सकते हो, और इसकी जो रेजिस्टेंस है तो पावर वोल्टेज का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई पावर 500, तो ये आ जाएगा अपना, जीरो ने जीरो को काट दिया और ये आ जाएगा 20, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम। तो ये जो बल्ब का डेटा है ये 20, ये मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, I = V/R, तो इसकी अपनी वोल्टेज है 100 और इसका रेजिस्टेंस 20 है, मतलब ये 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट ले सकता है, ये दिस डेटा इज बल्ब। मतलब अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट दे दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा मेरे भाई यार, ठीक है। तो ये सारी बल्ब जो दी था उसका डेटा है, चलो बल्ब लेके आए उसका अपना एक अलग डेटा है। अब लेके आया मैं उसके बाद रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब इसके साथ में जो बल्ब लाया था ये तो अपना इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया, मतलब ये सीरीज में, और अच्छे से काम कर रहा है, और इसको मैंने लगाया और उसके बाद इसको मैंने देखा यहाँ पे, तो देखने के बाद मुझे पता चला कि ये 3 बल्ब कंज्यूम, बल्ब जो पावर सप्लाई लेता है, देखना बल्ब कंज्यूम 300 वाट पावर ये कंज्यूम करता है, तो वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करो, आर की वैल्यू हमें निकालना है, और ये प्लस माइनस हमने एक प्लस माइनस भी वोल्ट की यूज, 230 वोल्ट पावर मतलब मैंने सप्लाई दे दिया, वोल्ट दे दिया, कनेक्टेड टू बल्ब इज यूज 230 वोल्ट से ये काम कर रहा है, इट वर्क परफेक्टली एंड बल्ब ग्लो, बल्ब कंज्यूम 300 वाट, ठीक है। तो ये जो 300 वाट है वो एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से मैं इसको आपको दिखाता हूँ इरेज करके, तो ये 500 वाट पे अच्छे से काम कर रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों इसमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये जो बल्ब है वो 230 वोल्ट आपने सप्लाई ले लिया, बल्ब क्या है यार, बल्ब एक रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे फिलामेंट है उसका अपना रेजिस्टेंस है, अच्छे से काम कर रहा है, तो बल्ब कितना कितना इस सोर्स से कितना मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है रेजिस्टेंस, वो दिया हुआ 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है 100 वोल्ट इस सप्लाई जो मेन सप्लाई थी सीरीज में, तो 100 वोल्ट तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 230 में से 100 इधर चला गया तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना आ जाएगा, 130, तो 130 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा, तभी तो इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो ये अब इन सभी में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट है वो तो सेम है, इसमें भी और इसमें भी करंट की वैल्यू सेम है, तो V = होता है IR, ये इन दोनों पे लगा देते हैं। तो अगर मैं पहले वाले के लिए लगाऊं तो 100 और करंट I और इसका रेजिस्टेंस R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगर मैं दूसरे वाले के लिए लगाऊं तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है 130 और इसमें करंट I और इसका रेजिस्टेंस हमें पहले से पता है ना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, यहाँ पे बच्चों हमें रेजिस्टेंस पहले से पता है ये, हाँ तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग उधर निकाल के लाए हैं 20, तो यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, और ये आर, ये इक्वेशन, ये किसके लिए लगाया, ये किसके लिए लगाया, तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 100/130 और I खत्म हो गया 20/R, ठीक है, तो 20/R, ये जीरो ने जीरो को खत्म कर दिया, एक जीरो ने एक जीरो खत्म कर दिया, तो R की वैल्यू आ जाएगी 26 ओम।
ठीक है। तो फाइनली जो सी ऑप्शन है वो सही है, 26 ओम। तो इस सर्किट में कुल कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इस सर्किट में अब देखो बल्ब अगर अच्छे से काम कर रहा है तो अगर करंट निकालोगे तो 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 230 और रेजिस्टेंस कितना लगाए 26 इसका और पर 20 इसका, दैट 46 टू 230 दैट इज 46। तो इसमें डिवाइड कर दो तो 6 5 20 और ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो देखो मतलब बल्ब अच्छे से काम कर रहा है तो इस सर्किट का जो मैक्सिमम करंट है वो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं आ सकता, बल्ब खराब हो जाएगा।